कहते हैं अगर आप शांति चाहते हैं तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे, यानी सेना अगर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दुश्मन भी जंग में उतरने के पहले 10 बार सोचेगा और फिर शायद युद्ध नहीं करेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों में पिछले 4 से 5 वर्षों में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और संभवतः उसी का यह नतीजा है कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 वर्ष बाद हटने को मजबूर हुई। चीन के साथ भले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक समझौता हो गया है डिसएंगेजमेंट का, अभी तक डीएस्केलेशन और डीइंडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 4 साल बाद भले ही चीन की सेना कुछ पीछे हट गई हो, डेपसांग और डेमचोक के इलाके में पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। भारत के सैनिकों का जोश इस समय जबरदस्त हाई है और भारत सरकार निरंतर इस जोश को और ऊंचा करने का प्रयास भी कर रही है और इसी के तहत सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, तो फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में राज्य के मुख्यमंत्री ने मैराथन में हिस्सा लिया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो BSF के जवानों के साथ सिरक्रीक के इलाके में थे, तो तवांग के इलाके में ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वो सैनिकों के साथ बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट तक LAC पॉइंट तक गए। चीन के सैनिकों तक से उन्होंने कल बात की, सवाल जवाब किया। कल ही दिवाली पर दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं आज सरकार के मंत्रियों का LAC पर पहुंचना भी बदस्तूर जारी है, लेकिन सबसे पहले तवांग में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम रह चुके हैं, वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचे। चीन के सैनिकों से उन्होंने बातचीत की। आप उनके कपड़ों को देखिएगा, उनकी टोपी पर जो उन्होंने उस 15,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में जो टोपी लगा रखी थी, जो जिसको बालकलावा कैप कहते हैं, उस पर भी खास ध्यान रखिएगा कि उस पर क्या लिखा है, वो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। उनकी बातचीत भी हम आपको सुनेंगे, LAC पर अपडेट भी देंगे, लेकिन एक बड़ी बात, 4 साल बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। डेपसांग के 5 और डेमचोक के 2 पॉइंट पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। डेपसांग के इलाके की बात करें तो वहां पर पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11 अल्फा, 12, 12 अल्फा और 13 ये पेट्रोल पॉइंट्स हैं डेपसांग पर। डेमचोक की अगर बात करें तो 2 पेट्रोल पॉइंट्स डेमचोक में भी हैं और भारत की सेना इन पेट्रोल पॉइंट्स पर अपनी पेट्रोलिंग एक लंबे अंतराल के बाद निर्विरोध कर पाई है वहां पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डेपसांग और डेमचोक पर भारत और चीन के सिपाहियों ने मिठाई एक साथ खाई और बॉर्डर पॉइंट पर दिवाली के दिन वो यहां पर दिवाली के दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, तस्वीरें खिंचाई और तनाव को कम करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब बॉर्डर पॉइंट्स पर 5 बॉर्डर पॉइंट्स पर बातचीत हुई थी भारत और चीन के सैनिकों पर। अच्छा, अब हम आपको मानचित्र के जरिए यह बताने का प्रयास करते हैं कि वो इलाका कौन सा है जहां पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है और इसको लेकर एक और बड़ी खबर। सबसे पहली बात हम आपको ये बताएं, ये डेपसांग का इलाका है, ये दौलतबेग ओल्डी जो काराकोरम पास है, काराकोरम टॉप है, वहां पर ट्राई जंक्शन एक तरह से होता है भारत का, पाक अधिकृत कश्मीर का और तिब्बत का, जिसमें इस समय चीन है, तो ये डेपसांग का इलाका है। डेपसांग का इलाका बहुत ही संवेदनशील है, डेपसांग का एक बल्ज है जहां भारतीय सेना आगे है, लेकिन उसके बाद डेपसांग का प्लेन शुरू हो जाता है। वहां पर पहुंचने के लिए एक बहुत सकरा रास्ता है जिसे बॉटलनेक कहते हैं और बॉटलनेक पर ही चीन की सेना भारत की सेना को रोकने का प्रयास करती थी या रोक रही थी। गश्त को लेकर लोकल कमांडर्स के बीच बातचीत हुई,
डेपसांग में 5 पॉइंट्स हैं, 10, 11, 11 ए, 12, 12 ए और 13. डेपचौक में 2 पॉइंट्स हैं. यहां पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है. पेट्रोलिंग के रूट पर लोकलों कमांडरों की नजर है ताकि दोबारा कोई तनाव ना हो जाए दोनों देशों के सैनिकों के बीच में. ये तो हमने आपको डेपसांग की बात की. पूर्वी लद्दाख का इलाका ये उत्तर का इलाका है और दक्षिण पूर्वी लद्दाख में ये डेपचौक का इलाका है. बेहद संवेदनशील. अच्छा, कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी जल्द होगी इस तरह की उम्मीद इस समय जताई जा रही है. और आपको सीधे इस समय में लिए चलता हूं. मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही है. शिवानी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये पेट्रोलिंग अब शुरू हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, की आमने सामने दोनों ना आ जाए, क्या क्या उसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं. गौरव, देखिए कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीट होने के साथ ही डेमचौक के दो बिंदुओं पर जहां 4.5 साल से पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी वहां पेट्रोलिंग शुरू हो गई है. डेपसांग में भी इस तरह से पेट्रोलिंग शुरुआत हो रही है. 5 ये इलाके हैं जहां पर डेपसांग प्लेन्स में पेट्रोलिंग होनी है और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स यानी एक दूसरे को अपनी रणनीति बताई जाएगी. अपने पेट्रोल रूट्स अलग अलग होंगे और इनके हिसाब से अलग अलग समय होंगे, यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो सके, किसी तरह के क्लैश की किसी भी स्थिति को यहां पर उससे बचना है. लिहाजा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल से और शुरुआत में गौरव एक शॉर्ट रेंज पेट्रोल का प्लान किया गया है, यानी कि धीरे धीरे शुरुआत हो रही है. पहले 3 से 5 किलोमीटर के ये पेट्रोल होंगे और उसके बाद धीरे धीरे इनके जो डिस्टेंस हैं उनको बढ़ाया जाएगा. और इसी बीच जैसे जैसे ये पेट्रोल हो रहे हैं, जो लोकल कमांडर्स हैं यानी ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, वो मॉनिटर भी कर रहे हैं. उन्होंने ये भी देखा था कि किस तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ, उसका वेरिफिकेशन, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन. और अब जब पेट्रोलिंग शुरू हो गई है तो भी पूरी निगरानी बरती जा रही है और खासतौर पर भारत की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है गौरव. और जल्द ये उम्मीद भी हो रही है कि 22वें दौर की जो कोर कमांडर लेवल बैठक है वो हो सकेगी, क्योंकि फरवरी 2024 के बाद से ये बैठक नहीं हुई है जो टॉप कमांडर्स के बीच में है. तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कोर कमांडर लेवल बैठक भी होगी जिसमें पहले दौर की रिजम्पशन ऑफ पेट्रोलिंग की समीक्षा भी की जा सकेगी. अच्छा, तो ये तो हुई बात डेपसांग की और डेमचौक की, दोनों बेहद संवेदनशील, और इसको एक बड़ी विजय के रूप में, हालांकि टैक्टिकल विक्ट्री है के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चीन का यह दावा था कि यह तो लेगेसी इशू है, अप्रैल मई 2020 से पहले का विवाद जो चला रहा है. लेकिन अप्रैल मई 2020 में जो विवाद शुरू हुआ था, और अगर हम गोगरा की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, गलवान की बात करें, पेंगोंगसो के उत्तर और दक्षिण की बात करें, वहां पर एक बफर जोन है. उस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा कि वहां पर भी पेट्रोल पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग हो सके? देखिए, लगातार बातचीत जारी है गौरव, और अभी जो समझौता हुआ वो डेपसांग प्लेन्स और डेमचौक में पूरी पेट्रोलिंग को शुरू करने के लिए हुआ. लेकिन अभी भी बातचीत जो की जा रही है, पिछले कई दौर की बातचीत है, उन सब में इन बफर जोन्स को लेकर भी बातचीत की जा रही है. और जब हमारी बात हो रही थी सेना प्रमुख से इस अग्रीमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम समझौता लगातार हर एक बिंदु के लिए करना चाहते हैं और बातचीत की जा रही है. लिहाजा जो बफर जोन्स हैं उनको लेकर भी निगरानी की जा रही है, और किसी तरह की कोई अगर ब्रेक थ्रू होता है उस पर भी पूरी कोशिश की जा रही है. यानी कि सेना की तरफ से बातचीत जारी है, एमईए की तरफ से बातचीत जारी है, और इन बफर जोन्स को लेकर भी जल्द हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो. लिहाजा ये देखा जाएगा कि इन बफर जोन्स को लेकर एक दूसरे का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे कहा जाता है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं अब भारत के और चीन के बीच में, वो खत्म हो सके. और एक बार और उसमें चीन को बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है. आप रहिए मेरे साथ शिवानी, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे. लेकिन अब आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरे छोर पर ले चलते हैं. अब तक हम बात कर रहे थे पूर्वी लद्दाख की. वास्तविक नियंत्रण रेखा लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी है. उसमें एक वेस्टर्न सेक्टर है जो लद्दाख का इलाका आता है, फिर एक उसमें मिडिल सेक्टर है जिसमें उत्तराखंड का इलाका आता है, फिर नॉर्थ सिक्किम का एक अलग इलाका है. लेकिन मैं आपको लिए चल रहा हूं अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वी क्षेत्र है इसका. वहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, चीन के सैनिकों के साथ उनकी बातचीत हम आपको सुनाते हैं, जिसमें किरण रिजिजू ने साफ तौर पर एक चीनी सैनिक से क्या पूछा कि कैसे वो इतनी ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें आती हैं, और उनके कपड़ों पर और टोपी पर खास ध्यान रखिएगा. देखिए ये रिपोर्ट.
बोलो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा। ये सवाल वही पूछ सकता है जो उस इलाके का हो, क्योंकि वो इस इलाके की बारीकियों को और पेचीदियों को बहुत साफ तौर पर समझता है। चीन के सिपाहियों को पूरा अपना देश पार करके, पूरा का पूरा तिब्बत पार करके फिर आना पड़ता है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, और इसीलिए चीन के लिए चुनौतियां वहां कहीं अधिक है। वैसे चीन की तरफ से खबर यह भी आई कि उसके सैनिक इतनी ऊंचाई पर तैनाती से परेशान थे। कई सैनिकों की मौत की औपचारिक पुष्टि तो चीन ने नहीं की, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं, कितने उसको अपने कमांडर बदलने पड़े हैं, कितने कमांडर उसके यहां तक कि वेस्टर्न थिएटर कमांडरों को समस्याएं हुई हैं, उनको हटा दिया गया है। तो चीन के पीछे हटने की क्या एक वजह उनके सैनिकों की, खासतौर पर उनके अधिकारियों की शारीरिक कमजोरी को भी क्या माना गया है? देखिए ये रिपोर्ट। 15,000 फीट में बैठे हैं और आज दिवाली है और आज सरदार पटेल का भी जन्म दिवस है और इस तवांग को भारत का हिस्सा बनाने के लिए मेजर बॉब खाटिंग और उसके बटालियन ने 1951 में तिरंगा को गाड़ा। उनका आज मूर्ति का अनावरण। हिमाचल से कौन कौन है? अरे हिमाचल सबसे ज्यादा है जी। और पंजाब से? पंजाब से बहुत है। अमरदीप सिंह कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब। बहुत अच्छा, मिलकर के ले लीजिएगा। अभी जवानों सब ले लीजिएगा, उठा लीजिए सब मिल बांट कर। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिवाली के दिन में जवानों के साथ ही टाइम बिताते हैं और हमने भी 2014 से दिवाली जवानों के बीच में ही बिताया है, क्योंकि आप लोग घर से इतना दूर है, हम क्यों घर में रहे, इसलिए हम भी बॉर्डर में रहते हैं। एक बड़ी बात है, 2014 से लगातार 2024 11 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दीपावली सरहदों पर सैनिकों के साथ मनाई है। कल वो सिरक्रीक में थे और इसी तरह उनके मंत्री भी, जैसा किरण रिजिजू बता रहे हैं, हर वर्ष कई मंत्री लगातार दीपावली पर नियंत्रण रेखा पर या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर या सैनिकों के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रहते हैं। वैसे एलएसी पर किरण रिजिजू ने अपने नाम का एक पत्थर, उसकी एक प्लेट लगाई। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें उनका नाम बकायदा वहां लिखा गया है, तारीख लिखी है, उनका डेजिग्नेशन लिखा गया है कि वो यहाँ पर इस दिन आए थे। जय हिंद नारा लगाते हैं, ये बहुत बड़ा सिंबल है, है ना? हम लोग बाद में क्या करते हैं? इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं, ये बहुत बड़ा सिंबल है ना?